नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा की अपडेट आपको इसे वीडियो में मिलेगी। इसके साथ साथ पीएनपी ने टीईटी के लिए नोटिस जारी किया, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको इस तरह की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो देखिए यहाँ पर टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा की तैयारियां काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण शुरू हो चुका है, कई जिलों के निर्धारण हो गए हैं कि किस किस परीक्षा केंद्र पर परीक्षाएं होंगी। हम आपको एक ज़िले की लिस्ट यहां पर दिखाएंगे और परीक्षा के निर्धारण के केंद्र के निर्धारण के साथ साथ हैं खेल भी शुरू हो गया। खिलाड़ी तैयार हो गए हैं अपने जो उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं का प्रमुख खेल है उसको अंजाम देने के लिए। दोस्तों ये देखिए ये न्यूज़ है सुल्तानपुर की तरफ से, न्यूज आ रही है। सुल्तानपुर ज़िले में टीजीटी पीजीटी के लिए 32 केंद्र बनाए गए हैं और ये परीक्षा केंद्र की लिस्ट पूरी की पूरी आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है कि इन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। 32 केंद्र बनाए गए हैं और एक कमेटी ने इसका निर्धारण किया है। उस कमेटी यानी कि समिति के जो अध्यक्ष थे वो जिलाधिकारी थे सुल्तानपुर के, अपर पुलिस अधीक्षक थे उसमें यानी कि एसपी साहब थे, जिला विद्यालय निरीक्षक डीआईओएस, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा नियामक अधिकारी, ये सभी लोग मिलकर इन लोगों ने इस परीक्षा 32 परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया है। और जो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया उसमें क्या मापदंड रखे गए हैं, उसमें ये रखा गया है कि पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के अलग अलग प्रसाधन होना चाहिए, 24 छात्रों को एक कक्ष में बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर होना चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जनरेटर होना चाहिए, अभ्यर्थियों के बैग मोबाइल आदि रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, परीक्षा केंद्र शहर से 15 से 20 किलोमीटर की परिधि में होना चाहिए, इससे ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, वहाँ पर पहुँचने के लिए यातायात का साधन होना चाहिए और साथ ही मार्ग की स्थिति अच्छी होनी चाहिए जिससे कि चार पहिया वाहन भी वहाँ आराम से पहुँच सकें। तो इन व्यवस्थाओं की तरफ से इन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ये परीक्षा के निर्धारित किए गए हैं और यहाँ पे 7 और 8 तारीख को टीजीटी की परीक्षा होगी, 17-18 तारीख को पीजीटी की परीक्षा भी इन्हीं केंद्रों पर होगी। टीजीटी में 14,417 अभ्यर्थी सुल्तानपुर में परीक्षा देंगे, पीजीटी के 10,807 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। तो कुल मिला के 25,224 परीक्षार्थी परीक्षाओं में शामिल होंगे। देखिए ये केंद्र जब यहाँ पे पहले से पता चल जाता है कि कौन कौन से केंद्र में परीक्षा होनी है, बस यहीं से सेटिंग और गेटिंग का काम शुरू हो जाता है। अब इन केंद्रों पे जो नकल माफिया है, जो जुगाड़ से पास होना चाहते हैं, जुगाड़ से नौकरी पाना चाहते हैं, पैसा खर्च करके नौकरी पाना चाहते हैं, वो सब अपनी यहाँ पर सेटिंग करनी शुरू कर देंगे कि किस तरह से उनको नकल कराई जा सके, कैसे उनको पेपर मिल सके। ये सारी चीज़ें जो हैं परीक्षा केंद्र की लिस्ट जब बाहर हो जाती है और परीक्षा केंद्र जब जो है ऐसे कॉलेज में बना दिया जाता है जहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर भी इस तरह की दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। आप देखिए यहाँ पे पब्लिक इंटर कॉलेज चौकिया, सर्वोदय इंटर कॉलेज लम्भुआ, श्री हनुमान इंटर कॉलेज धम्मौर, इसमें तो पता नहीं चल पा रहा है कि कौन से ये राजकीय कॉलेज हैं कि क्या है ये। और जनता इंटर कॉलेज, पंडित आरबी मिश्र राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, हालांकि जो इनका प्रयास था वो था कि सबसे पहले राजकीय उसके बाद फिर एडेड इंटर कॉलेजों को केंद्र बनाया जाएगा, इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो प्राइवेट कॉलेजों को केंद्र बनाया जाएगा। उम्मीद करते हैं इसमें से कोई प्राइवेट कॉलेज ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में सेंटर जाने का मतलब है कि नकल का 100% होना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी खबर आपको इसी वीडियो में मिलेगी। यहाँ देखिए प्रचार व शिक्षकों के स्थानांतरण कार्य पूरा हुआ, अब काउंसलिंग की बारी है। तो यहाँ पर जो बहुत सारे छात्र काउंसलिंग की महीनों से इंतजार कर रहे हैं और इनका चयन हो चुका है, 712 पदों पर प्रवक्ता के पदों पर चयन हुआ है। तो इसमें जो है छात्रों की काउंसलिंग अभी नहीं हुई है, तो अब छात्रों को उम्मीद है कि इनकी काउंसलिंग जल्द करवाई जाएगी और इनको जो है जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिल जाएगी।
और यहाँ दूसरी खबर है, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से विज्ञापन संख्या 50 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली है, अधिभार के लिए हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं पीएचडी डिग्री वाले। तो पीएचडी डिग्री के जो है छात्र जो है वो चाहते हैं कि अधिभार उनको अतिरिक्तांक जिसको बोला जाता है यानी एडिशनल अंक यानी कि वेटेज इनको अलग से दिया जाए। यही एक और न्यूज़ पर बात करते हैं कि एक भर्ती एक आरक्षण की मुहिम भी तेज़ी से चल रही है। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें छात्र चाहते हैं कि एक भर्ती में केवल एक बार आरक्षण का नियम लागू हो, बार बार आरक्षण का नियम ना लागू हो। जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से बहुत सारी भर्तियाँ होती हैं उसमें अधिकतर प्रारंभिक परीक्षा होती है, फिर मुख्य परीक्षा होती है। पीसीएस की बात करें तो पीसीएस में 3 परीक्षाएँ होती हैं, प्री होता है, मेंस होता है, इसके बाद इंटरव्यू होता है, इसके बाद पीसीएस अधिकारी बनते हैं। अभी एक यहाँ पर भर्ती है जीआईसी प्रवक्ता की, तो जीआईसी प्रवक्ता की जो भर्ती हो रही है यहाँ पे, तो उसमें पहले प्री होगा फिर मेंस होगा। तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन का रूल लागू होता है वो प्री में अगर रिजर्वेशन का रूल लागू हो जाए तो छात्र चाहते हैं कि मेंस में वो रूल ना लागू हो, या तो फिर डायरेक्ट मेंस में लागू हो रूल, रिजर्वेशन का प्री में ना हो। तो इस तरह का चाहते हैं कि किसी भी एक भर्ती में केवल एक बार में ही आरक्षण दिया जाए, बार बार उनको आरक्षण ना दिया जाए। यानी कि पहले प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपने आरक्षण दे दिया, फिर मुख्य परीक्षा के लिए फिर आरक्षण दे दिया उनको, तो ये वो नहीं चाहते हैं छात्र। दोस्तों जो छात्र नए हैं पहली बार चैनल पर आए हैं उनको बता दें कि सीपी स्मार्ट क्लासेस का अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप गूगल प्ले स्टोर पर सीपी स्मार्ट क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको ये मोबाइल ऐप मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको टीजीटी पीजीटी जीआईसी प्रवक्ता और इसके साथ है पीईटी एग्ज़ाम की भी काफ़ी अच्छा मटेरियल यहाँ पर मिलने वाला है, और कई विषयों की टीजीटी पीजीटी के यहाँ पर लाइव क्लास क्रैश कोर्स और आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। दोस्तों अगली न्यूज़ पीएनपी की तरफ से है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में। तो यहाँ पे लिखा गया है कि 11 फरवरी 2011 के उपरांत उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता यानी कि रिवैलिडेट करते हुए 5 वर्ष के स्थान पर आजीवन मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो ये जो 5 साल के लिए वैलिडिटी थी वो आजीवन हो गई है, लेकिन कंडीशन ये है कि 11 फरवरी 2011 के बाद टीईटी पास हों, उसके पहले के जो पास होंगे उनका नहीं किया जाएगा। आगे लिखा है, अतः उक्त शासनादेश दिनांक 16 जून 2021 द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण समस्त अभ्यर्थियों को पूर्व निर्गत प्रमाण पत्र में अंकित वैधता को परीक्षा फल घोषित होने की तिथि से आगामी 5 वर्ष के स्थान पर रिवैलिडेट करते हुए आजीवन मान्य माना जाए, उक्त से अवगत होते हुए अग्रेतर कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो ये आपका जो है ये वैलिड हो गया है, अब पूरा का पूरा पूरी लाइफ के लिए वैलिड हो गया है और इसकी वैलिडिटी अब समाप्त नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें और जानकारी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट्स कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।